Hello, welcome to Advisor. Today we are going to start MCQs of NCERT class 11th, chapter number 1, The Living World. So start karte hain question number 1 se. As we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristic jab hum taxonomic hierarchy se jaate hain to kya wo decrease karta hai ya increase karta hai ya same rehta hai ya dono increase aur decrease hota rehta hai. ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है. तो स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं. देखो स्पीशीज यहाँ पे आपका स्पीशीज प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पीशीज है. अब स्पीशीज से जब हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है ना वो डिक्रीज होते जाएंगे. क्योंकि देखिए अब किंगडम्स में आपके आ जाएंगे प्लांटी में तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं. ठीक है, फिर प्लांटी में आपने लिया एंजियोस्पर्म है ना. प्लांटी में तो एल्गी भी है, ब्रायोफाइटा भी है, टाइटोफाइटा भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म भी है. फिर आपने एंजियोस्पर्मिक में देखा कि डिवीजन एंजियोस्पर्म है. अच्छा एंजियोस्पर्म में कौन सा डाइकोटिलेडन्स, यानी कि उसमें मोनो भी है डाइकॉट भी है. लेकिन यहाँ पे आप महंगी फर्क की बात करिए डाइकॉट होता है, डाइकॉट हो गया. डाइकोटिलेडन्स में भी बहुत सारे हैं जिसमें हमने सेपिनडेल्स की बात की, उसमें फिर एनाकार्डियेसी की बात की, और उसमें हमने मैंगीफेरा इंडिका की बात की. अब ये ना स्पेसिफिक हो गया, जब भी हम मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे तो हम हमेशा उसको मैंगो ही समझें, कुछ और नहीं समझ सकते. यानी कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ये. ठीक है, तो स्पीशीज से जब आप किंगडम की तरफ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉमन कैरेक्टर्स को आप डिक्रीज करते हुए जा रहे हो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए, विल डिक्रीज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स वो होता है जो पीछे की तरफ जुड़ता है. ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हमने यहाँ पे देखिए बहुत सारे इस तरीके से वर्ड्स हैं. यहाँ पे एंजियोस्पर्मी, ठीक है, एई यूज हुआ है. डाइकोटिलेडनी यहाँ पे एई यूज है. सेपिनडेल्स में ई एस यूज हुआ है. फैमिली में सीई एई, सोलेनेसी, एनाकार्डियेसी, ठीक है, रोजेसी, इस तरीके से वर्ड्स यूज होते हैं. जीनस में कोई सफिक्स नहीं है और स्पीशीज में भी कोई सफिक्स नहीं है. तो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली. ठीक है, फैमिली का पूछा हुआ है. तो फैमिली में देखिए फैमिली में क्या लिखा है, सीईएई. ठीक है, यहाँ पे एनाकार्डियेसी लिखा है, उसी तरीके से वर्ड सोलेनेसी है, रोजेसी है. तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है सी. ठीक है, ए सी ये आपके फैमिली में लगता है. ठीक है, यहाँ पे आपको अलग से दिया भी हुआ है सफिक्स. किंगडम में कोई डेफिनेट सफिक्स नहीं होते. फाइलम में आपकी स्पर्मी हो जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा है एंजियोस्पर्मी. ठीक है, क्लास में आपका ओप्सिडा इस तरीके से वर्ड हो जाता है. ठीक है, उसके बाद ऑर्डर में आपके एल्स हो जाते हैं. फैमिली में एसी हो जाता है. जीनस और स्पीशीज में कोई डेफिनेट सफिक्स नहीं है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू द. तो सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, देखिए हमारी जो धरती है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है. ठीक है, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज हैं. ठीक है, उन स्पीशीज को हमने डिफरेंट नाम दिए. तो बेसिकली हमने अलग अलग स्पीशीज हैं, हमने उनको अलग अलग नाम दिए. क्यों? क्योंकि उनमें जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन है, लेकिन जो है डिफरेंसेस भी हैं उसके साथ साथ. ठीक है, तो सिस्टमैटिक टर्म का मतलब ही होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप. ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म और उनका रिलेशनशिप ही सिस्टमैटिक्स कहलाता है. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 का सी. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, जीनस रिप्रेजेंट. अब ये जीनस क्या होता है, आपने अभी पीछे ही देखा था जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2 या 1. तो इसमें आपने जीनस देखा था, जीनस में लिखा था मैंगीफेरा. तो ये जो जीनस है ये जीनस का क्या मतलब है, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, या नन ऑफ दीज. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, ग्रुप ऑफ क्लोजली. अब यहाँ पे मैंगीफेरा वर्ड जो है, मैंगीफेरा उन सब के लिए आएगा जो उस डिफरेंट उस स्पीशीज को क्लोजली रिलेटेड रहेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड ले लिया मैंगीफेरा, क्या लिया है, मैंगीफेरा. अब ये जो मैंगीफेरा ये क्या है, ये जीनस है. ठीक है, तो जीनस मैंगीफेरा है. अब आम में ये कॉमन नेम इसका क्या है, आम, मैंगो. ठीक है, तो अब आम में तो बहुत सारे टाइप के डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आम्स होते हैं. तो ये डिफरेंट जितनी भी वैरायटीज हैं आम की सब इस मैंगीफेरा में ही इंक्लूड होंगे. तो यही लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल्स, कुछ भी जो है वो जीनस के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, तो 4 का सी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि सिंपल सी बात पूछा है कि फाइलम, जैसे हम एनिमल्स में हम फाइलम लिखते हैं, वैसे हम प्लांट्स में उसको हम क्या वर्ड देते हैं, ठीक है, क्लास देते हैं या ऑर्डर देते हैं या डिवीजन देते हैं या फैमिली देते हैं। तो बेसिकली जो डिवीजन होता है इज इक्विवेलेंट टू फाइलम, ठीक है। तो जो हम फाइलम में लिखेंगे वही हम यहाँ पे डिवीजन में लिखते हैं, ठीक है। फाइलम जो है वो आपका एनिमल्स यानी कि जूलॉजी में यूज होता है, एनिमल्स में यूज होता है, और जो आपका डिवीजन है वो आपका प्लांट्स में यूज होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क हैव, इनमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज या कलेक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज या कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एग्जॉटिक या फिर लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एंडेमिक वो स्पीशीज होती हैं जो एग्जैक्ट एक ही जगह पे रहती हैं, ठीक है, मतलब वो और कहीं उनका कहीं और वो उग नहीं सकती। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक टाइप का एक प्रकार का आम जो है वो एक ही जगह पे उगता है, वो यूपी में ही उग सकता है क्योंकि वैसा ही उसका टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर में वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उस एंडेमिक लिविंग स्पीशीज को उसी के टेम्परेचर के हिसाब से उसको जहाँ भी कलेक्ट करना होगा उसी के हिसाब से सारा टेम्परेचर सारी चीज़ें उसको देंगे, ठीक है। तो बोटैनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क में इस तरीके से हम एनिमल्स के लिए भी करते हैं और इसी तरीके से हम प्लांट्स के लिए भी करते हैं। यहाँ पर प्लांट्स में भी उसका जो उसका स्पीशीज जैसे वो रहते हैं एक नेचुरल हैबिटेट वो उसका मेंटेन करते हैं, और एनिमल्स के लिए भी उनका नेचुरल हैबिटेट मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एंडेमिक लिविंग स्पीशीज और एग्जॉटिक, एग्जॉटिक जो बाहर से आई हुई स्पीशीज है, ठीक है, उन सारी स्पीशीज का दोनों का कलेक्शन होता है बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये बोटैनिकल गार्डन है, ये जूलॉजिकल पार्क है और ये म्यूजियम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टैक्सोनॉमिक की इज द वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो टैक्सोनॉमिक की यहाँ पे जो दो वर्ड दिया गया है, मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा, तो मोनोग्राफ एंड फ्लोरा का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, मोनोग्राफ इज अ टाइप ऑफ बुक और पैम्फलेट और डॉक्यूमेंट जो अपने आप में पूरा कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। और मोनोग्राफ क्या है ना कि जैसे कोई साइंटिस्ट जो है जैसे अपनी थीसिस लिखते हैं उस तरीके से जो भी रिसर्चर्स ने या साइंटिस्ट ने जो भी चीज़ को फाइंड किया है उसको मोनोग्राफ में लिख देते हैं, किसी फॉर्म में लिख देते हैं ताकि उनके जो पीयर्स हैं वो उसको रिव्यू कर सकें और उससे अपनी फाइंडिंग्स को वैलिडेट भी कर सके। तो मोनोग्राफ बेसिकली क्या है, एक तरीके का कंप्लीट बुक है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो भी पर्टिकुलर चीज़ की फाइंडिंग की गई है, ठीक है, दैट इज मोनोग्राफ, ठीक है। तो ये इसकी इसकी इसका प्रिपरेशन भी टैक्सोनॉमिक की में होता है और इसके साथ साथ फ्लोरा का भी जो होता है वो टैक्सोनॉमिक की में आता है, ठीक है। ये दोनों ही टैक्सोनॉमिक की में आएंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, 7 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। क्यों लिंक्ड होते हैं भाई, क्योंकि वो एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, लेकिन उन जेनेटिक मटेरियल में भी वैरायटी होती है, एक हद तक वैरायटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका लिखा है जो मैंने अभी एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन बताया है कि क्यों वो लिंक्ड होती है, वही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, बिकॉज दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डिग्री सेम नहीं होगा कभी भी, हमेशा एक वैरायटी एक डिग्री मेंटेन ही रहेगा, तभी वो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। अगर सेम हो गया तो वो तो एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लिया ना, सेम स्पीशीज के भी सबका जो है जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग एबिलिटी है या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए हमें चार ऑप्शन दिया है, ग्रोथ है, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो आंसर तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ जो है ये एक नॉर्मल किसी में भी सब में प्रेजेंट नहीं होती, जो लिविंग होंगे सिर्फ उन्हीं में, जो लिविंग होंगे वो उनको ही अगर हम किसी टाइप का स्टिमुलाई देंगे तो वो रिस्पॉन्स करेंगे, अदरवाइज सब रिस्पॉन्स नहीं करते। ग्रोथ देखिए, अगर एक आप नॉर्मल एक पहाड़ को देखिए तो उसका
हर साल या फिर 10 साल में एक बार वो पहाड़ का हाइट जो है थोड़ी बहुत इंक्रीज हो ही जाती है। तो ये नॉन लिविंग है, येट इट इज ग्रोइंग, ठीक है, नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। एबिलिटी टू मेक साउंड, ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी कई बार साउंड जो है, आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें देखिए साउंड एक जनरेट होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, जो वायरसेस हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन उन लिविंग में तो नहीं कहलाते, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच के कैरेक्टर्स उसमें, दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो दोनों के बीच का वो लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, लिनियस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनमी, नेम टू अदर बॉटनिस्ट नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ प्लांट टेक्सोनमी। तो देखिए लिनियस के अलावा जो प्लांट टेक्सोनमी में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें दो हैं, एक तो है जी बेंथम एंड द सेकेंड वन इज जे डी हुकर, जे डी हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन भी दिया था, ठीक है। अब जो आपके कैरोलस लिनियस है जिनकी बात यहाँ लिखी है, ये कैरोलस लिनियस है, इन्होंने जो है ये स्वेडिश बॉटनिस्ट थे जो कि फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनमी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ये फादर ऑफ टेक्सोनमी, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनमी कौन है, लिनियस है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से मिला, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी और इनकी बुक का नाम है, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है। जेनेरा प्लांटेरम कब लिखी थी, 1737 में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं बेंथम एंड हुकर, ये दोनों जो हैं इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था, जो आज भी हम पढ़ते हैं, ये क्लासिफिकेशन है ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये इन्होंने दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11, ICZN का फुल फॉर्म, तो ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको एक बार बार नाम बता रही थी कि फैमिली में क्या आएगा, AC, फैमिली में क्या है, AC, ठीक है। AC यानी कि जैसे सोलेनेसी, जैसे आपके आ जाएंगे एनाकार्डिएसी, ठीक है। देखिए मैं ये वर्ड लिख रही हूँ सोलेनेसी, ठीक है, ये AC, यहाँ पे देखिए AC, तो यहाँ पे आपका A का हो जाएगा 5, तो वैसे भी यहाँ पे आपका आंसर निकल रहा है A का 5, बाकी ऑप्शंस वैसे भी गलत हो रहे हैं। सेकंड बाकी मिला लेते हैं, बी का 4, किंगडम का आपका हो जाएगा प्लांटी, देखिए किंगडम में कोई कोई भी सफिक्स नहीं होता, ठीक है, तो ये प्लांटी में आ जाएगा। उसके बाद सी का 2, ऑर्डर का आपका आ जाएगा पॉलीमोनियल्स, एल्स लगता है ऑर्डर में, स्पीशीज में भी कोई सफिक्स नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्यूबरोसम, डी का 1, और आपका ये आ जाएगा सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम हम पोटैटो के कहते हैं, ठीक है, पोटैटो फैमिली की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो आज चैप्टर नंबर 1 के हमने 12 क्वेश्चंस किए, MCQ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 हमारा कल स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।